सतना नागौद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सतना पुलिस ने थाना नागौद के ग्राम पतौरा में मिली अमित पांडे की अंधी हत्या का किया खुलासा। दो हत्यारों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक रियाजी बाल ने बताया कि पतौरा में राम प्रताप सिंह के खेत में अज्ञात लाश मिलने पर लाश की शिनाख्तगी अमित पांडे के रूप में की गई थी। नागौद पुलिस द्वारा अमित पांडे के अज्ञात हत्यारों को पता कर आरोपी दीपू मिश्रा धीरेन्द्र सिंह पटेल को गिरफ्तार कर आरोपी से लोहे की राड़ी, नेल कटर तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त किया गया। सतना से संवाददाता रवि शंकर पाठक की रिपोर्ट। विवाद चल रहा था, मृतक अपना मोटरसाइकिल आरोपी को बेचा था, पर आरोपी के नाम पर नहीं करा के दिया, इसको लेके उनका झगड़ा हुआ था और मोटरसाइकिल भी वापस मृतक जो है लेके अपने घर पे रखा था। तो मृतक को दोनों आरोपियों ने दारू में एक दवा पिला के पहले बेहोश कर दिया, फिर उसके बाद जो आधार जो हथियार छोटा सा एक चाकू और एक रोड दोनों से उसके ऊपर हमला किया। सिर पे चोट पाओ उसके चोट लगी है, उसके आधार पर उसका मृत्यु हो गया। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो हथियार जो यूज हुए थे दोनों जब्त भी किए हैं और मोटरसाइकिल जो विवादित मोटरसाइकिल था उसको भी पुलिस ने जब्त किया। मोबाइल जो पैदल चलने वाले लोगों की मोबाइल स्नैचिंग करने की दो घटनाएं सामने आई थी। पुलिस ने उसमें हथियार दर्ज किए थे, दोनों महंगे मोबाइल थे और सिंगल आदमी मोटरसाइकिल में चल के लोगों के मोबाइल खींचते थे, जो मोबाइल पे बात करते हुए रोड पर चलता था। उसको उनमें भी छोटी पुलिस को सफलता मिली है, एक मोटरसाइकिल और एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे पूछताछ कर रहे हैं। तो और भी इसी तरीके से वारदात और लूट में कई संभाग पकड़ ली है, पता करने के लिए देखिए इस साल में लगभग करीब 15 गैंगों को पुलिस ने पकड़ा है जो ऐसे हमारे शहर या शहर के आसपास के रोडों में लूट करते हैं। उसमें बहुत कंट्रोल आया है, पिछले एक दो महीने में बहुत ही घटनाएँ हुई है। दूसरा जो पैदल चलने वाले लोगों को भी थोड़ा बहुत इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि जैसे मोबाइल पे बात करते हुए हम सब कुछ बोलते हुए चलता है, हम एक मौका देता है कि ऐसे लोगों को भी आके वो स्नैचिंग करें। तो और दूसरा अंधेरा है ऐसी जगह पे जब जाते हो तो तब भी थोड़ा कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, खास करके शहर के आउटर एरिया। शहर के अंदर तो बहुत सारे पुलिस की पेट्रोलिंग चलते हैं और आम जनता भी रहते हैं, लाइट भी रहता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अवेयर होने की जरूरत है। साथ में हमारा पेट्रोलिंग भी, क्योंकि हम लोग यहाँ से नागौद तक जो हाईवे में भी हमारा 11 बजे से 2 बजे तक हमारा पेट्रोलिंग चलता है, खास करके ट्रक लूट और ऐसे जो अकेले बाइक पर चलने वाले लोगों के साथ जो लूट होता है उसको रोकने के लिए उसमें बहुत सफलता भी पुलिस को मिली है, बहुत सारे मुजरिमों को पकड़ा भी रंगे हाथों। दूसरा कोटी रोड में भी हमने पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए बताया है, वहाँ पे भी 3-4 वारदात।